उद्योगपति राजेंद्र कोठारी को व्यापारी व कारोबारियों के हित के लिए कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था बॉम्बे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अर्थात BIA का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। 1948 में स्थापित की गई यह संस्था पिछले 6 दशकों से सरकार और विभिन्न निकायों के बीच सेतु का काम कर व्यापारियों और कारोबारियों को राहत प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। इतना ही नहीं, संस्था की उद्योग जगत तथा सरकार के बीच संतुलन व समन्वय बनाने के लिए भी बड़ी भूमिका निभाई है। यही कारण था कि इसी दिशा में सरकार और उद्योगपतियों के बीच मजबूती लाने के लिए राजेंद्र कोठारी को बॉम्बे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इसी को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शाइना NC, बॉम्बे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमित चौधरी, कोठारी परिवार और कई उद्योगपति। राजेंद्र कोठारी के अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शाइना NC ने संस्थाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उद्योगपतियों की जो समस्याएं होंगी उन्हें वे अपनी पार्टी स्तर पर सुलझाने का जरूर प्रयास करेंगी। मैं मानती हूं कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है महाराष्ट्र की प्रगति में। महाराष्ट्र जो आज नंबर 8 पे है, जो नंबर 1 पे लेके जाना है, तो इन लोग की सहायता चाहिए। साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा काम के साथ कुछ अच्छा समाज सेवा भी कीजिए, और जहाँ भी आपको पॉलिसी डिसीशंस को लेके कोई भी मदद चाहिए महाराष्ट्र सरकार से, तो हम खड़े हैं। वहीं संस्था के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजेंद्र कोठारी ने कहा कि उद्योग जगत को शासन से जुड़ी जो कोई अड़चन होगी उन्हें सुलझाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ का कोई भी उद्योग महाराष्ट्र के बाहर ना जाए, इस पर भी वे पूरा जोर देंगे। इंडस्ट्री में जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, उनसे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री वालों के बीच में हम लोग बैठ के वी विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाए, और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो मेक इन महाराष्ट्र बने और बॉम्बे के लोग उसके हिसाब से प्रॉस्पर करें। प्लस हम लोग है ना, उनके अवेयरनेस के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन्स के लिए बहुत सारी हम लोग विजिट्स भी कराने वाले हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराएंगे, ताकि इन लोगों का नॉलेज बढ़े और दुनिया में क्या हो रहा है वो हिसाब से ये लोग भी अपने हिसाब से कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर तैयार कर सके और एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस तैयार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV।